नमस्कार मंत्रव्य को स्वागत करुछु मु शक्ति। चांदीपुर डीआरडीओ हनी ट्रैप घटना रे पाकिस्तान लिंक स्पष्ट प्रमाणित होइछि। क्राइमब्रांच घटनार तदंत करुछु एवं क्राइमब्रांच एडीजी आज प्रेस कन्फरेन्स माध्यम एक सूचना देखते एक खुलासा करछंती जो रहस्यमय युवती जे कि डीआरडीओ रो चारि अस्थायी कर्मचारी को फसाई निज जाल एवं फोन वार्तालाप करुथुला चैटिंग करुथुला वीडियो कॉल करुथुला तांकु प्रेम जाल रे फसाई तथ्य आदाय करने उद्यम करुथुला जनक अकाउंट को टंका मध्य दुबई रु ट्रांसफर होता है। से रहस्यमय युवती जो फेसबुक अकाउंट गुड़िक ऑपरेट करुथुला चैरिटी फेसबुक अकाउंट माध्यम चारिजण को ड्राफ्ट करथिला से अकाउंट गुड़िकर आईपी आड्रेस पाकिस्तान रो तीनटी इस्लामाबाद रो गोटे पाकिस्तान रावलपिंडी रो एक कथा आज क्राइमब्रांच पक्ष खुलासा कर प्रक्सी आईडी माध्यम प्रक्सी आईपी आड्रेस माध्यम से जोगाजोग तेज सबुठ बड़ खुलासा जहाँकि आज क्राइमब्रांच पक्षर करतेक आईपी आकाउंट फेसबुक जहाँकि सक्रिय रही संपृक्त रहस्यमय युवती जोगाजोग अच्छी अर्थात चैटिंग करुच्ची कि वीडियो कॉल करुच्ची कि वार्तालाप करुच्ची अर्थात डीआरडीओ रे बा आईटीआर चांदीपुर रे एबे भी कौन कर्मचारी संप्रुक्त हनी बा हनी ट्रैप रे थाई पारंती एक कथा आशंका करा जाउची जार कि क्राइमब्रांच तदंत करुच्ची एवं केमिति से हनी क पर्यंत पहुँचव से रहस्यमय युवती पर्यंत पहुँचव से लगातार उद्यम करा जाउची। रोशन रथ मो सहयोगी जोड़ी होती प्रसंग में अधिक अपडेट पाई रोशन क्राइमब्रांच जो खुलासा केते गुरुत्वपूर्ण एवं क्राइमब्रांच तदंत आग को बढ़ुची एवं रहस्यमय युवती पर्यंत पहुँचव एक कथा वर्तमान स्थिति रे अनुमान करा जाई पारे। देखो निश्चित भाव में प्रथम रु जो कथा अनुमान करा जाउतला जे रहस्यमय युवती हुए तो पाकिस्तान आईएसआई कर जने एजेंट होते ही पारती बोली किंतु वर्तमान क्योंठी ना क्योंठी जो भाई भाव में आईपी एड्रेस लोकेशन रु एक स्पष्ट हो जो सातटी एकाउंट बेसिकली जो सातटी एकाउंट रु फेसबुक आईडी रु से चैटिंग करते पाँच अभियुक्त सहित से जो वर्तमान चारोटी एकाउंट समस्त तथ्य आसी आईपी एड्रेस कहि जे यही चारोटी एकाउंट रु तीनोटी एकाउंट प्रथम तो आम जदि कही पार इस्लामाबाद रु ऑपरेट होता और गोटे आकाउंटर लोकेशन रावलपिंडी रु ऑपरेट होता तेणु क्योंठी ना क्योंठी चारोटी आकाउंटर पाकिस्तान लिंक गोटे पटे जदि देखा लोकेशन जितेबाला पाकिस्तान रु ऑपरेट होता कहुची एवं युवती जनक प्रथम रु ही जितेबाला चैटिंग करते जो पांच अभियुक्त सहित लोकेशन पाकिस्तान थिला तेणु क्योंठी ना क्योंठी एक कथा निश्चित भाव में स्पष्ट जे पाकिस्तान रु पूरा क्राइम ऑपरेट होता और गुप्त तथ्य चोरी होता जो आम कहीपर जो व्हाट्सअप और फेसबुक जरिया बेसिकली चैटिंग करते वीडियो कॉल मध्ये करते रहस्यमय युवती फेसबुक जो मेसेंजर जरिया जो सब चैटिंग होती से कि मेसेज रिकवर करिवार क्राइमब्रांच को सफलता मिली जो थ्रु कह किसी गुप्त तथ्य रहस्यमय युवती को ये जो पांच अभियुक्त एमने से तथ्य केते दूर गुरुत्वपूर्ण से नहीं तो वर्तमान तदंत चलु ये सब भितर बड़ कथा हूँ आहुरी किसी तथ्य क्राइमब्रांच वर्तमान जोगाड़ कर जो तथ्य पाइला आग को तदंत बढ़ापी इंटरपोल सहायता निजी वर्तमान परिस्थिति में आम जदि देखा अनुमान करे पूरा चैनल जो चली गोटे कथा रोशन एबी जो क्या क्राइमब्रांच एडीजी कहे कि अकाउंट सक्रिय अच्छी किसी आईपी एड्रेस सक्रिय अच्छी एवं एवं भी कौन कर्मचारी हनी ट्रैप रे थाई पारंती एक कथा आशंका करा जाउ करा जाई पारे कि देखो तो निश्चित भाव में क्राइमब्रांच एडीजी एक स्पष्ट करते रहस्यमय महिला फोटो मिल सर वर्तमान किसी आकाउंट एक्टिवेट अच्छी अर्थात जो सतटी आकाउंट रु चारोटी आकाउंटर समस्त तथ्य मिल सारी आउ तीनोटी आकाउंटर कौन लोकेसन थिला से क्यों क्यों लोकेसन रु सेगुड़िक ऑपरेट होता फोन वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल होता सेगुड़िक वर्तमान जान चलती किंतु ए सब भितर बड़ कथा होची सर मुझे आपको कर्नल बीके बस्ती आम सहित जोड़ी होती प्रतिरक्षा विशेषज्ञ और आम सहित अच्छा पूर्वतन पुलिस अधिकारी संतोष नायक फोन लाइन में आपको स्वागत करुँ। प्रथम कर्नल बस्ती आपण प्रतिक्रिया नाक चाहिए इस्लामाबाद पाकिस्तान लिंक एक कथा पूर्व आशंका कराला जोटा कि स्पष्ट प्रमाणित होती क्राइमब्रांच तदंत में पाकिस्तान रु ही ऑपरेट होता फेसबुक माध्यम चैटिंग होता डीआरडीओ ठिका कर्मचारी मान सहित तो अर्थात या पचर आईएसआई पाकिस्तान भारतर गुप्त प्रतिरक्षा तथ्य नवापा ये चक्रांत करुथुला एक कथा स्पष्ट प्रमाणित हेछि। देखंतु मोर एथेरे तेळे मात्र संदेह नथिला कि कारण एपर्यंत भारतरे जेते हनी ट्रैप केस हेछि जेते स्पाइंग बहुत बड़ बड़ स्पाइंग केस हेछि
ସବୁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଏ, ସେହି କେବଳ ଏକୁ କରାଏ। ଆଉ ସେଥିରୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କେସ୍ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାକିସ୍ତାନର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 50-60 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଉଛି ଆଇଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା କି ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଭାରତର ସେନା ବିଭାଗର ଚାହେ ମାନେ ସର୍ଭିଂ ଅଫିସର ହଉ, ଜେସିଓ ହଉ, ସୋଲଜର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ସେନାର, କିମ୍ବା ଇଭେନ୍ ଯୋଉ ସିଭିଲିଆନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେନାର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ, ଯେମିତି ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁର ଡିଆର୍ଡିଓର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଇଟିଆର୍ ଅଛି, ସେମିତି ସେମିତିଆ ସଂସ୍ଥାରେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଫସଉଛନ୍ତି। ଫସିକରି ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଇଭେନ୍ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଟଙ୍କା ବି ଦିଆହଉଛି, ଟଙ୍କା ଦିଆହଉଛି, ଏବଂ ସେ ଯୁବତୀ ବି ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଫସଉଛନ୍ତି ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକରି। ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇ ହିଁ କେବଳ କରୁଛି, ମୋର ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣେଲ ବସ୍ତିଆ, ଯୋଉ କଥା ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୁଲାସା କରିଛି ଯେ ଏବେ ବି କିଛି ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ବି ଏ କଥା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ କି ଆଉ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ତା ଟ୍ରାପ୍ରେ ଥାଇପାରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ ଧରାପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଲିକ୍ ଆଉଟ୍ କରାହେଇଛି କି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଯାହା ଆଶା ଅନୁମାନ କି କୌଣସି ସେମିତି ବହୁତ ବେଶୀ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାଇପାରିନଥିବ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ କି ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ ବହୁତ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ କହିଲେ ଚଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଯଦି ଅତି ସିକ୍ରେଟ ତଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ ଅସମ୍ଭବ, ତାହେଲେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫସା ଯାଉଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଉଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସେୟା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇପାରିଲେ। ଆମର ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିସାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏଇଟା, ତେଣୁ ମିସାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ୍ର ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିସାଇଲ୍ର ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିସାଇଲ୍ ଉପରେ ନେବା ପାଇଁ, ତାର ଲଞ୍ଚିଂ ସାଇଟ୍, ତାର ଲଞ୍ଚିଂ ଷ୍ଟେସନ୍, ତାର ଲଞ୍ଚିଂ ବେଳକୁ ବି ତାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ, ତାର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେବଳ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର, ସେ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଚାଇନା। ଚାଇନା ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିବ ବୋଲି କିଛି କହି ହବନି, ଚାଇନା ବି ଆଇଏସ୍ଆଇକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଏସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ବି ଗୋଟେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରି ତାର କାଉଣ୍ଟର ମେଜର କରିବେ କି ତାର କାଉଣ୍ଟର ଡିଫେନ୍ସ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବସ୍ତି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀତ ନାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବସିକି ଯିଏ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି ସେ ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଯିଏ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଯୁବତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହେବ? କାରଣ ଏଠି ଦୁବାଇ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି, ଏଠି ୟୁକେର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମବାଦ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖୁଲାସା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ 2015 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପୁଲିସ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ କେସ୍ର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କନଭିକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇଛି। ସେବେଠାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦୁଶୁଥିଲା ଯେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଷ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିପୁରଟି ଅଛି, ୟା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ତଥ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଜୋରସୋର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍କୁ ଆସିଲା 2021 କଥା, ଏବେ ସଦ୍ୟ ଘଟଣା ଯୋଉଟା ହେଲା, 2015-2021 ଭିତରେ ଆମେ କୌଣସି ସେମିତି ତଥ୍ୟ ପାଇନାହୁଁ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେହି ଆମର ତଥ୍ୟ ଏଠୁ ନେଉନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି, କାହା ଥ୍ରୋରେ କୌଣସି ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆମର ତଥ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବେଶୀ ମହରା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ଗୁଡାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ନାୟକ, ଏଠି କଥା ହଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଛି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଦେଶରେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିକି ଚେର କାଢିପାରିବ, ଇଏ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ
अन्य गोटे राष्ट्र रे जदि तथ्य आनिबा पई चाहिबे तदंत करिया पई चाहिबे ताहले हमर गोटे माध्यम होला इंटरपोल ताहरी माध्यम रे ही आमे अन्य राष्ट्र को जिबू एवं अन्य राष्ट्र रे लोकन को पचारीबा बा तदंत करिबा बा काहा को अरेस्ट करिबा बा आइनगत कार्यानुष्ठान नबार गोटे रास्ता होला हमर इंटरपोल सीधा सलोक आपण पाकिस्तान को जाई कि तदंत करि परिबे नाही बा पाकिस्तान रे काहा को आइडेंटिफाई करी से जो एड्रेस आईपी एड्रेस मिली छी से लोक को लोकेट करी सेटु ताहाकु ताको आनी परिबे नाही तेनो हमर अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन पाई जो व्यवस्था अछि सेही व्यवस्था माध्यम दे कि क्राइम ब्रांच जीवो क्राइम ब्रांच गले जहां आपन को सक्सेस मिलबा कथा मिलियो मते आशा बहुत कम देखा जाउ छी काहे कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र रे ए भरिया तदंत आगु को नबा पई हेले सेतेटा सहयोग को मिलिबो बोली आमे आशा करियो बोली भाबिबा कथा नहो जदि आमो भारत भीतर हेई थांदा ताहाले गोटे कथा अलग आथे ओके तो एटा गोटे डिफिकल्ट गोटे चैलेंज वर्तमान क्राइम ब्रांच पई जे केभली भाव रे चेरा पर्यंत पहुंचिबा कर्नल बस्ती आपन को कोन लागछि क्राइम ब्रांच पारिबो ए कथा पूरा चेरा पर्यंत जिबा नहीं नहीं देखु से गोटे असंभव जिनस जो पचार नायक बाबू जहाँ कहले मुझे सहमत क्राइम ब्रांच कि इंडिया जेको इंटेलीजेन्स एजेन्सी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी जो मैंने कौन से एक्शन ने मैक्सिमम मानने इंडिया भितर जहाँ कारवाई करार अच्छी से करेंगे तापर आग को पाकिस्तान आपस्तान कौन करेंगे सबकि पाकिस्तान रिमानेट हो पाकिस्तान आईएसआई आर्मी कंट्रोल अच्छी कमांड एंड कंट्रोल तार आर्मी हाथ में पाकिस्तान गवर्नमेंट कमांड एंड कंट्रोल आर्मी हाथ में सबकि पाकिस्तान आर्मी करुच्ची तेणु ना गवर्नमेंट आपको साय कर ना सहयोग कर कारण से निजे इनवल्व जी निजे करम से केवे आपको साहब करेंगे कौथे करने तेणु आज पर्यंत जिते स्पाइंग केस से केवल इंडिया भितर ही सीमित ही रही यार भितर रवल आम हाथ में गोटे आम काउंटर इंटेलिजेंस काउंटर मेजर कौन नहीं पार्टी आम चिंता करार अच्छी तापर एक्शन करार अच्छी तेणु क्राइम ब्रांच खाली इन्वेस्टिगेट कर केते दूर आम इनफर्मेशन देचु कौन इनफर्मेशन देचु आउ को मैंने इनवल्व होती बाहर करवल्व अच्छी कारण आम भारत भितर भी अनेक अच्छा जो मैंने रही ओवरग्राउंड वर्कर अच्छा कि जो स्लीपर सेल अच्छा जो मैंने सब ये टाइप रंग इनवल्व रोचे इवेन अधिकांश समय आप देखि जो एम को जो टा सब आसूस भारत भितर भी अनेक सीट रू आसू तेनालीराम सब मिडिल मैन सब अच्छा जो मैंने हैंडलर सब भारत में जो हैंडलर मैंने अच्छा मैक्सिमम क्राइम ब्रांच धरीपरिकर एक्शन नहीं पार तो आग को आज किसी करा मानते प्राक्टिकाली नट पसिबल पसिबल नुह ना इंटरपोल आपन कौन से साहय कर जो देश निजे इनवल्व ता देश भितर आप कौन करेंगे तेनालीरें आप काउंटर इंटेलीजेन्स आम सब बड़ आई सब जिन धरा पड़ार मेन हूँ आम मिलिटरी इंटेलीजेन्स काउंटर इंटेलीजेन्स विंग जोटा से कम करेंगे ट्राक करेणु से हम जो आम प्रोटेक्ट करते दूर आम प्रोटेक्ट करफरमेशन को नदेटा बड़ उद्देश्य रहा बड़ चैलेंज रहा निश्चित रूपे आसवि कर्नल बस्ती आम सहित प्रकाश महांती आम प्रतिनिधि बालेश्वर जोड़ी होती कारण आज संसदीय जो रही प्रतिरक्षा संबंधी जो संसदीय कमिटी रही तार आज सी कमिटी सदस्य भाव में जुएल ओराम आज आईटीआर गस्त करते से संपर्क में अधिक सूचनापाई प्रकाश महांती आम प्रतिनिधि बालेश्वर जोड़ी होती प्रकाश जुएल ओराम जा आईटीआर तो कौन उद्देश्य थिला एवं कौन ए गस्त समय सामना को आसी देखो तो शक्तिशाली जो भाई भाव जो प्रतिरक्षा परामर्शदाता कमिटर जे चेयरमैन अच्छा सांसद तथा पूर्वतन केन्द्रमंत्री जुएल ओराम गत काली रातिर से अचानक गस्त करते बर्तमान पर दुईदिनिया गस्त रही बर्तमान पर्यटन से चांदीपुर ही डीआरडीओ ही अच्छा कारण जो कथ कहे भारत गुप्त तथ्य जो भाव लीक है यार एक अपरेट कर जो हनी ट्रैप कथा कहे जो रहस्यमय महिला कथा कहुच्छे जे कि जो पांच जन जो लोक हनी ट्रैप मध्यम बहार प्रलोभन देखा कथा हो पैसार कथ हो प्रलोभन देखा कथ हो देखी आम देशर गुप्त तथ्य को सेने विदेश जो कथा कहते पूर्व कर्नल कहते और संतोष नायक जो भाव आम परामर्श दे कि चीन और पाकिस्तान मैंने सब चाहती भारत प्रतिरक्षा विभाग में कौन कौन सब तथ्य अच्छे से गुड़ाक किमी हासिल करतीरोध करसबू तथ्य नहीं कि जो भाग कहते कि प्रथम तलिया कर्मचारी मान पाखु ये सब तथ्य मिलता है जे कि सामान्य पैसार अर्थर लोभ देखे एम प्रलोभित हो जाती आम देशर सुरक्षार तथ्य मैंने प्रदान कर ठीक से भाई तो ये उपरे कौन सी भाव केमी तथ्य लिक है तथ्य कौ तथ्य जा
ଏବଂ ଏ ତଥ୍ୟରେ ସାମିଲ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଇଏର ତଥ୍ୟ କଥା ଉଠୁଛି ବା ଭାରତର ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଉଠୁଛି, ଏ ନେଇକି କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ଓରାମ ସେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବା ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଏ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ବା ମାମଲା ହେଇଥାନ୍ତା କି ଏହାକୁ କେହି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ତ ତାହେଲେ ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନର କଥା ଆସୁଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାଠିକର ପାଠ ହେବ, ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ବି କିଛି ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ରୁ ଏବେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଉଥାଇପାରେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାପ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ରୋଶନ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସୂଚନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସାତଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର, ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହସ୍ୟମୟ ମହିଳା ଜଣକ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ସାତଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହସ୍ୟମୟ ଯୁବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଡିଆର୍ଡିଓ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ କେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ପାକିସ୍ତାନର ରାଉଲପିଣ୍ଡି ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ଚାରୋଟି ଯାକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରକ୍ସି ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଏସ୍ କିମ୍ବା ଭାରତ କିମ୍ବା ଅଲଗା କେଉଁ ଦେଶ ଏମିତି ଦେଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଅତି ଚାଲାକିର ସହିତ ଏମାନେ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ରହସ୍ୟମୟ ଯୁବତୀଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଜରିଆରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେହି ଫଟୋକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମନା କରୁଛି, କାରଣ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ସହିତ ରହସ୍ୟମୟ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଫେସବୁକ୍ରେ ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନଜରରେ ରଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଟିଂ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ସିଧୁ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଯେ ଏବେ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କିଛି ଆଇପି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଏବେ ବି ଯେଉଁ କଥା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଆଇପି ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଏବେ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଡିଜି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବା। ଏକ ତ ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁରର ଆଉ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଏବେ ବି ବରକରାର ଅଛି ବା ସେ ଏବେ ବି ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। ବା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁଏତ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ଥିବେ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଟିଂ ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହଉଛି, ଭାବ ଦିଆନିଆ ହଉଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦିଆନିଆ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ ଖାଲି ଚାନ୍ଦିପୁରକୁ ଦେଖିଲେ ହବ ନାହିଁ, ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାନ୍ଦିପୁର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ISI ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ଯିଏ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମର ଡାଟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସେମାନେ ଚାଟିଂରେ ରହୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଏଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଉଥିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଦିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଖାଲି ଚାନ୍ଦିପୁରକୁ ଧରିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆର ସାଇଡ଼ଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ବସ୍ତିଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପ୍ରଘଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଯେ ଚାରି ଜଣ ଧରାପଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ସିଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ଚାଟିଂରେ ବା ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଖବର ନଥିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି?
हाँ देखंतु जहाँ नायक बाबू कहले बिल्कुल टू द पॉइंट कहले से दीटा जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन अच्छी से दीटा को कहीदेले गोटे है से केवल डायरेक्ट आमर जो एठिकार जो कर्मचारी मानक से माने टार्गेट करना थ्रु रे करूछन जो तांकर हैंडलर अछन्दे इंडिया रे से मानक प्रत्येक केते स्पाइंग केस देखिबे सबु केस रे से इंडिया रे तांकर हैंडलर अछन्दे जो माने है तांको सुविधा जो करूछन्दे तांकर चैटिंग जहां भी हो तांकर तांको ई लोकर एड्रेस की तांको दले ई लोकर तार आइडेंटिफाई किए कला एसब आमर भारत भितर तो किए हैंडलर अच्छे जी तक देला डायरेक्ट तो किए जानले कि पर्टिकुलर लोकटा डीआरडीओ काम कर ना कौन या घर कौटे तेणु जो हैंडलर मैंने अच्छे आप जब देखिए 2015 जो ईश्वर केस जो था तार हैंडलर कलिकतार से सब फटो नहीं कलिकता जाए कलिकतार हैंडल कै पुणी से आग को सब कार्रवाई हुए सेमती से जो हैंडलर तांगे एवं चैटिंग चलती आउ ताकु छाड़ी देले केवल डीआर हुए तो सेमाने केवल केवल डीआरटीओ गोटे एस्टाब्लिशमेंट नुहे आहरी अनेक मिलिटरी एस्टाब्लिशमेंट अच्छी जो सांगे एवं भी हुए तो कार्रवाई चलो सेमाने निश्चय सावधान हो सारी थे ये तो अरेस्ट कराई धरा पड़ी गोटे केस किंतु जेहेतु से केस आड़ को कहार नजर न जा जो अन्य केस जो भी अन्य केस थे से धरतु नजर न जा तेनाली एवं भी आक्टिव रखाई से किसी मानने से बड़ कथ नुहे आउ जो हैंडलर माने से माने एबे सब तांग संगे कम्युनिकेट रे थिबे तण से माने धरा पड नाहंती से हैंडलर मानन को पहुंच पाखरे पहुंचबा सहज हे पारिबो कि क्राइम ब्रांच पाए निश्चित अबरे सेटा सेटा परिवा कथा सेटा देखंतो 2015 केस रे भी से कलकत्ता रो हैंडलर धरा पडला नै ताकु छाड़ देले दिल्ली बॉम्बे 4टा 5टा इंडिया रे 4टा ना 5टा सीट रु टंका आसुथला ताक पाकु थी जो माने हैंडलर माने से माने टंका डायरेक्ट पठौथले से माने केही गोटे भी धरा पडले नै पनिशमेंट तो ताको ईश्वर को मिलला ये धरा पड़ला किंतु से माने के धरा पड़ले ने तेणु तांको धरिबाटा निहाती दरकार सेटा जदि हमर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तांको धरा धारी परे इंडिया भितर जो माने हैंडलर अछंती ताले हमर वोट बहुत बड़ा अचीवमेंट हबो सेटा ओके सीधो संतोष नायक आपन को लागु छ हैंडलर मानक पर्यंत पहुंचबा सहज हे पारिबो क्राइम ब्रांच पाई हाँ हे पारिबो निश्चित हे पारिबो काहे कि विगत केस रे ईश्वर बेहरा केस रे मध्ये हमर टीम जण को अरेस्ट करितिला एवं जण को पाखरे पहुंची पारितिला तेणु क्राइम ब्रांच उद्यम कले चेन टा पूरा इंडिया भितर जो चेन ऑपरेट होउछि निश्चित पहुंची पारियो ओके तबे एटी कथा होउछि जे ये बारंबार एभली घटना सामना को आसुछि एकु केमति चेक करा जाय पारिबो फर्दर आगु को कोनोसी कर्मचारी जेंति ट्रैप को न आसिबे त सेथि पई कोन काउंटर स्ट्रेटजी नवा दरकार वर्तमान स्थिति रे नै एही कथा वर्तमान सब मते 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 कहिया कहउछन त आगे आगे हां देखंतु 2015 परे आमे सजग हे जिवार थिला आउ ए भले लैप्सेस आमो पखरे रहिबा कथा नथिला किंतु पुणी जेतले रिपीट होउछि 6 वर्ष परे सिमिलर इंसिडेंट रिपीट होउछि तेणु आमर एठी लैप्सेस रहउछि सिक्युरिटी अरेंजमेंट रे बा आमे जो कर्मचारी को नै कि संस्था चलउछि सेठी दुई प्रकार कर्मचारी स्थायी कर्मचारी अछन्थि कि अस्थायी ठिका कर्मचारी टाइप रे काम करछन जोटा कि कंट्राक्टर माध्यम रे समान को एंगेज करा जाय ए दीटा दीटा वर्गर कर्मचारी से काम करुछन्ती तेणु आमर आईटीआर भितर पशिबा एवं ता भितर काम करिबा एवं सर्विस दबार जो जो माध्यम वर्तमान चली संपूर्ण परिवर्तन करिवाक पड़ संपूर्ण परिवर्तन करिवाक पड़िबो एवं आमर सिक्युरिटी के नजर रखी जो कर्मचारी स्थायी होंतु बा अस्थायी होंतु ऑफिसर होंतु बा आपणकर सिपाही रैंकर होंतु समस्तंक पई गुटिए एसओपी अरेंजमेंट हो गुटे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो ओके जो थरे कि समस्त परिचालित हेबे ओके कर्नल बस्ते आपन को कोन लागो छि जे ये घटना रा पुनरावृत्ति हबनी केमिति आगु को त स्थिति पई वर्तमान कोन स्ट्रेटजी हबा दरकार नै नै देखंतु से सब इवन 2015 पूर्वरु भी सब किछि देते एही टाइप रा माने एक्टिविटीज को प्रिवेंट करिया पई इंटेलिजेंस काउंटर इंटेलिजेंस सब माने एक्टिविटीज सब मिलिटरी एस्टेब्लिशमेंट रे थाए किंतु ता सत्वे भी कौनसी कर्मचारी केबे केते बेले ता माने टंका लोभरे आसी पारिबो के कौनसी युवती लोभरे आसीबो सेटा कोन किछि गोटे ग्यारंटी केही देई पारिबे केही देई पारिबे आज जे गोटे भलो लोक भी अछि से अत्यधिक टंका पाइले तार माने लॉयल्टी चेंज हो जाय पारे तनो एटा इंडिविजुअल कैरेक्टर उपर डिपेंड करा होची आज जे भर्ती तो गोटे भलो पिलाटे भर्ती होई पारे काली से चोरी न करियो बोले किछि कहि होबो तो ये केस गुड़ा आपड़ जब भावे तेणु कहीं ग्यारंटी दे पारे जो भविष्य एमती पुनरावृत्ति न हो बोली कारण यहाँ तो जिते आप प्रिवेंटिव एक्शन काउंटर मेजर नियंतु जन जदि निजे जदि कर्मचारी से जहाँ भरोसा देश भरोसा से जदि निजे धोखाबाजी कला देश सागर आपमी रखी पारे इंडिया केस भी मुझे कहूँ यहाँ तो डीआरडीओ गोटे सिविलियन अलमोस्ट सिविलियन एस्टाब्लिशमेंट
साइंटिस्ट एस्टाब्लिशमेंट जो थे प्योर मिलिटरी एस्टाब्लिशमेंट रे स्पाइन केस बहुत होची धरा पकुछंती से माने से लोभरे आसी पाउछन जो सैन्य माने माने इत्ते टफ ट्रेनिंग नै करी देश पय इत्ते माने से माने काम करिछंती देशपति तांकर इत्ते ये थाई करी भी से जते बले से माने भी ए प्रकार काम करि पाउछंती तेनो एटा किछ माने असंभव नहे किंबा आमे भाविवानी जे केबे फ्यूचर न होई परियो किंतु एति के जे एस्टेब्लिशमेंट सब प्रकार प्रिवेंटिव एक्शन नबा कथा जेमति कहली जो मान को चाकरी दवा पूर्वरु किंबा जो माने को कॉन्ट्रैक्ट दिया होउची सब आउटसोर्स करा होउची तांको स्ट्रांग पुलिस वेरिफिकेशन करी जो माने आसछन एम्प्लॉईज तांकर सब माने घर द्वारा तांकर पूर्व कैरेक्टर तांकर बैकग्राउंड सब किछ जांच करा जाबा सब किछ करी करी निश्चित आबर करा जाउथबो जेमति मु कहली जे केते बळी के चेंज हबो सेटा कहियो मुश्किल आज्ञा आज्ञा गोटे लोक आज टंका लोभरे आसी गले से होय तो ता मन बदली जाई पारे आज्ञा तो यहाँ गोटे बड़ा चैलेंज विषय किंतु सावधान हवाक पड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नेल बस्तिया आम सहित जोड़ी होती कर्नेल बीके बस्तिया प्रतिरक्षा विशेषज्ञ आम सहित थे पूर्वतन पुलिस अधिकारी संतोष नायक आम सहित थे आपण बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी होती तो प्रकाश महांती बालेश्वर आम प्रतिनिधि थे प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद रोशन रथम सहयोगी थे धन्यवाद ए प्रसंग में जोड़ी होती तो ये गोटे बड़ चैलेंज क्राइम ब्रांच पर वर्तमान हैंडलर मान पर्यंत केमती पहुँचा और जो आई टी आड्रेस गुड़िक आक्टिव अच्छी कहा सहित चैटिंग चलती आउ किए कर्मचारी संप्रति अच्छा कि नहीं खोजी बाहर करवा सबुठ बड़ कथा हूँ भविष्य में यार पुनरावृत्ति जमी न हो ताप कौन स्ट्राटेजी तैयारी ये सबुठ वर्तमान से बड़ आह्वान कारण ये आम प्रतिरक्षा कथा प्रतिरक्षार जदि कौन तथ्य जदि पड़ोसी शत्रु राष्ट्र हाथ में जदि पहुँचे आम देशर प्रतिरक्षा गोटे बड़ विपद सृष्टि करें तो समय हो मंत्य को नमस्कार।